बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस गर्मी कोई इतनी शिद्दत की होती है ना कि हम लोग बस बाहर ही सो जाते हैं, और इतना कोई ख़तरनाक मौसम हुआ हुआ है ना जिसकी कोई हद नहीं है। पसीना ऐसे पट 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 गिर रहे होते हैं गर्मी की वजह से, इतना कोई हब्स हुआ हुआ है। और फाइनली इतनी तूफ़ानी आज ना बारिश हो ही गई, और जी चेंटियाँ भी चैन नहीं लेने दे रही थी, तो मैंने कहा चलें इनका इंतज़ाम करते हैं। कूपैक्स लेकर आ गई थी, बस सफ़ाई करने से पहले ना मैं ये सारा कूपैक्स डाल दूँगी, और जी ये कूपैक्स डालने के बाद है ना फिर मैं किचन में आ गई हूँ सफ़ाई वगैरह करने के लिए। रोज़ इतनी जल्दी जल्दी दिन आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। टेंशन में ना कुछ समझ में नहीं आता पकाने के लिए। रात को बस मैंने कल खिचड़ी बना ली थी, और इसको बनाने के बाद बस फाइनल में सफ़ाई शफाई करके फारी होंगी और किचन में आ जाऊँगी अपने। और मैंने खाने में आज दाल बनाई, क्योंकि दिन ही इतनी जल्दी भाग जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। आज मैंने सोचा बस मिर्चें बना के रखती हूँ, और ये मैं मिर्चें बना लेती हूँ तो सोचा आपसे क्यों ना शेयर करूँ। ये चार चीज़ें हैं और इतने मज़े की बनती हैं। पिसा धनिया है, ज़ीरा है, हल्दी है और नमक है। और जो इमली है ना, इसको मैंने भिगो के रख दी है कि इसका पल्प है ना निकाल लेंगे, और ये मिर्चों में कट लगा के रख देंगे, और इतनी मज़े की होती हैं। और मज़े से ना एक हफ्ते के लिए ना इसको स्टोर भी करके है ना हम रख सकते हैं आराम से। तो ये सारे मसाले ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और बहुत ही सिंपल मसाले हैं और बहुत मज़े की लगती है सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ ना। बस ये फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं डाल देती हूँ। अच्छा, कड़ी पत्ता भी होता है ना, जो कड़ी पत्ता उसका भी भगाड़ लगता है, बट मैं नहीं डालती हूँ, ना मेरे पास होता है तो ना डालती हूँ मैं। बाकी मुझे याद है, मुझे फौजिया ने बहुत सारा कड़ी पत्ता ना ला के दिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ किया था। एनीवेज मैं अब जाऊँगी ना तो दोबारा ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितने मज़े की है ना, यहाँ पे दाल भी ना घुट गई है, बहुत मज़े की दाल ना घुट गई है। और यहाँ पे देखें अभी भी ना मिर्चों में थोड़ी सी कसर है। और यहाँ पे फाइनल में लुक दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से जब ये हो जाएंगी ना तो बस मैं इसको उतार लूँगी। ये डन हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये यकीन माने इतनी कोई मज़े की होती है, कोई हद नहीं है जिनकी। और जी बस यहाँ पे मैंने अपने काम वगैरह फारिग करके ना मैं हम लोग ना बाज़ार आ गए थे, मेरी दोस्त को कुछ कपड़े वगैरह चाहिए थे, तो मैंने सोचा चले मैं आपसे ये वाली शॉप ना अपनी शेयर करूँ, क्योंकि ये शॉप इतनी कोई अच्छी है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से। इस पर इतनी कोई वैरायटी होती है कपड़ों की और कलर्स की वैरायटी। और ये जो भाई शलवार आप यकीन माने दिखा रहे हैं ना, कोई इतने मज़े की ये शलवार है। और आप इसको ज़रा फोकस करके देखें, इसका अर्ज़ कितना बड़ा है, अर्ज़ पे ज़रा फोकस करें। जो आम शलवारें होती ना, और उसके अर्ज़ इतने छोटे होते हैं, और ये बरीज़ा की ओरिजिनल ही कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी शलवार का अर्ज़ ना खाली ब्रांड के कपड़ों में देखा, अदरवाइज़ और कहीं नहीं देखा है। और ये जो कपड़ा इन्होंने मुझे अभी लास्ट में निकाल के दिखाना है, लास्ट ही सूट था, और यकीन जाने इतना कोई मज़े का सुकून दे वाला कपड़ा लगा था ना। और बस कितना एक सुकून मिलता है कपड़े को देख के, दुकान को देख के सुकून था इस जगह पे ना बहुत माशाल्लाह। मेरे भाई की दुकान में मैं कहूँगी खैर बरकत डाले, हमारे रोज़ी रिस्क में हर बहन भाई के काम में रोज़ी रिस्क में खैर बरकत डाले। और इतने अच्छे अच्छे प्रिंट दिखा रहे थे, और बस हमने यहाँ पर ये फ़ाइनल करी चीज़ें। और मैं भाई से बस यही पूछ रही थी कि, और ये देखें कितना ज़बरदस्त रेड मेहरून कलर के, इसके साथ इन्होंने कंट्रास्ट लगा के शलवार का दिखाया। अर्ज़ पे ज़रा फोकस कीजिएगा जनाब, कि कितना बड़ा शलवार का अर्ज़ है। ठीक है, ये कोई लोकल क्वालिटी नहीं है कि ये 900 रुपये 800 रुपये में टू पीस मिल रहा है। जी नहीं, 900-800 रुपये की क्वालिटी भी थर्ड क्लास की आपको मालूम है कि क्या होता है। ठीक है ना, उसमें सिर्फ बच्ची का पजामा ही निकल जाना बड़ी बात है। तो मैं भाई से ये डिस्कस कर रही थी, और भाई बहुत चिल होकर बात कर रहे थे, उनको मालूम था मैं वीडियो बना रही थी, और वो यही कह रहे थे। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारे साथ दुकान वाले इस तरह से कोऑपरेट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, वीडियो बनाने का भी बहुत मज़ा आता है। और ये डमी इतना कोई स्टाइलिश मार रही थी, मैंने कहा चलिए इसको भी फोकस कर लेते हैं। और छोटे छोटे कपड़े देख के मैं याद कर रही थी कि हम भी ना जब शॉपिंग करते थे, हम सबसे पहले एजल की ही शॉपिंग करते थे। फिलहाल यहाँ पर हमने अपने ना जो कपड़े थे ना वो कटवा के फाइनल कर लिए, और भाई अब मुझे दिखा रहे थे कि जो स्टॉक आने वाला है ना सर्दियों का बनारसी में, मतलब जो सर्दियों का स्टॉक था वो आने वाला है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर विज़िट करूँगी और आपसे लाजमी शेयर भी करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के डिज़ाइन थे। बाकी हम फाइनल होके बाज़ार की तरफ आ गए थे अपना सामान लेके, और आप यकीन करें यहाँ पे भी आके कोई इतना कोई सुकून मिला, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हम बाहर निकले और हमने विज़िट किया बाज़ार का, तो सब्ज़ी की आप माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत की शान देखें, मेरे रब के कायनात की क्या क्या सब्ज़ी जो इतनी मज़े मज़े की, हर एक से बढ़कर एक है। मैं तो जितना माशाल्लाह बोलूँ ना उतना कम है कुदरत की शान देखे। सो रहमान में कहा है ना, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो ये वही है
कि कौन कौन सी नेमत को हम झुटलाएंगे। गोभी, भिंडी, शिमला मिर्ची, गाजरें देखें, टमाटर देखें, यार इतनी कोई ज़बरदस्त थी ना, मिर्चें, धनिया, नींबू, कि मज़ा आ गया था देखने के बाद ना। बस जो हमने भी कपड़े लिए थे ना उसके साथ की जो लेसेस थी ना वो हमने यहाँ से ली, परचेज की, और यहाँ से बस लेकर हम उठे फाइनल करके। मेरी दोस्त को ये लेसेस पसंद आ रही थी, बस हमने यहाँ पे लिया और बस मैं जल्दी से लेकर वापस घर पे आई और कप चाय पी। चाय की भी ना वीडियो थी वो डिलीट कर दी मैंने ना, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत हिल रही थी। बाकी मेरा ये भी ये था कि जो मैंने ये फ्रिल बनाई थी ना ये पूरी वीडियो डिलीट हो गई थी और मैंने बस ये सोचा कि ये वाली बची हुई चलो यही ऐड कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा ये फ्रिल वाला दुपट्टा बना था। कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, कान वगैरह थी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आगे आपसे डिस्कस करूँगी। अच्छा ये जो आप ये जो सूट देख रहे हैं इसके साथ भी कोई ना कोई मसला हो गया था, क्योंकि सारी वीडियो ना मेरी डिलीट्स हो गई थी, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था। बाकी ये था कि मैंने अपनी क्लाइंट को दोबारा बोला कि मुझे आप सूट भिजवाएं, फिर वापस आया और फिर उसकी हालत कुछ इस तरह की थी और मेरा भी दिल दुखा पड़ा था, क्योंकि मेरी सारी जो एफर्ट थी ना इस सूट के साथ की वो सारी डिलीट हो चुकी थी। और जो ये लेस आप देख रहे हैं ना ये वाली, ये कोई इतने मज़े की थी, मैंने सोचा चलो यार मैं ना बड़े मज़े से मैंने एक एक चीज़ काटी पीटी सब किया, रिकॉर्ड किया कि मैं टिकटॉक बनाऊँगी और आगे ना शेयर करूँगी, लेकिन कहें कि बस क्या कहें, बस ये हो गया। अच्छा ये डिज़ाइन ना सेकंड पहले भी मैंने बनाने की कोशिश की थी, फिर मुझे बोला पता चला कि यार ये तो लुप्स का तो कोई और ही सिलसिला है, ये तो नहीं बन सकेगा। लेकिन फौजिया का क्या ही कहना, फौजिया जिसके पीछे पड़ जाए ना वो चीज़ तो कभी हो ही ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी ये देखें कितना प्यारा ये बना लिया है मैंने। अच्छा जी बहुत ही मज़े का लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है फौजिया के साथ काम करने में, ठीक है। और यहाँ पे फिनिशिंग पट्टी के बजाय मैंने डोरी पाइपिंग की है और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, दामन पे भी लगाई है और दुपट्टे पे भी पूरी लेस अटैच की है माशाल्लाह से। और ये मेरे ख्याल से बिन सईद का सूट है, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सूट है ये। और मेरी मॉडल का फाइनल लुक आप देख लें और इसकी पूरी लुक देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं चाहती हूँ फौजिया भी दुल्हन जल्दी से बने और मुझे अपने शादी की ना बिरयानी खाने को ना मिल जाए इसकी, ठीक है। और यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा ये इसका पांची का डिज़ाइन है, मैं फोकस करके दिखा रही हूँ आपको, आप यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये दामन पे भी दिखा दिया मैंने आपको, माशाल्लाह मेरी मॉडल बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं कहूँगी मेरी फौजिया को एक एक सूट अल्लाह पहनना नसीब करे खुशियों से। और जी यहाँ पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मेरा ये लग रहा था बना हुआ, हम दोनों जब मिलके काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई काम हुआ हुआ है ज़बरदस्त ना, ठीक है। और जी बस मैं यही कहूँगी कि अपनी बहन की एफर्ट देख लें, आप जानते हैं मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और बच्चों को मेरी दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। ये जो मेरा फाइनल दुपट्टे थे ये मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। बाकी मैं आपको यही कहूँगी आप सब की दुआओं का, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बगैर ये सफ़र बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। थैंक यू ऑलवेज सपोर्टिंग मी, यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकॉन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शब्बा खैर कहूँगी यहाँ पे मैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और देखिएगा मेरी एफर्ट में कोशिश करूँगी कि आप सब से आप सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और बस यही कहूँगी कि शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो फ्रेंड और फैमिली।